अबे मोहब्बत है इसीलिए रहने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। जाने माने बॉलीवुड एक्टर इरफान खान इस दुनिया में नहीं रहे। मंगलवार को क्लोन इन्फेक्शन के चलते उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस बीच उनको लेकर तरह तरह की अफवाहें थी। हालांकि उनकी टीम ने कहा था कि अभी वो स्ट्रांग हैं और लड़ रहे हैं। बुधवार को मिली खबरों के मुताबिक इरफान खान का निधन हो गया है। साल 2018 में पहली बार इरफान को ब्रेन कैंसर का पता चला था। इसके बाद करीब एक साल उन्होंने विदेश में इलाज लिया और पिछले साल ही वो भारत वापस लौटे थे। उन्हें न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर नाम की बीमारी हुई, लेकिन इससे उभर कर उन्होंने फिल्म अंग्रेजी मीडियम के जरिए कमबैक किया था। हालांकि उनकी ये फिल्म कोरोना वायरस के चलते कॉमर्शियल सक्सेसफुल नहीं हो सकी। लंदन से इलाज करवा कर लौटने के बाद इरफान खान कोकिला बेन अस्पताल के डॉक्टर्स की रेख देख में थे। पिछले कई महीनों से कोकिला बेन अस्पताल में वो अपनी बीमारी से जुड़े रूटीन चेकअप्स और ट्रीटमेंट करवाते रहते थे। बताया जाता है कि फिल्म अंग्रेजी मीडियम के दौरान भी उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी। ऐसे में कई बार पूरी यूनिट को शूट रोकना पड़ता था। इरफान जब बेहतर फील करते थे तब शॉट फिर से लिया जाता था। आखिरकार इरफान खान अपनी जिंदगी की जंग हार गए और आज तकरीबन 11 बजे के आसपास उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपनी फिल्मों के माध्यम से हमेशा हमारे दिल के करीब रहेंगे। प्रभात वार्ता टीम की ओर से इरफान खान को आंसू भरी श्रद्धांजलि।